खबर आजमगढ़ जिले से है, जहां पुलिस और गौकशों में मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में 4 गौकशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है तथा इनके पास से 140 किलोग्राम प्रतिबंधित मांस, 2 अवैध असलहे और 2 बाइक भी बरामद हुई है। बता दें कि रात 1 बजे पुलिस को सूचना मिली कि 2 बाइक सवार कहीं जा रहे हैं। पुलिस ने इन दोनों बाइकों को रुकने का इशारा किया और टार्च जलाई। पास आते ही पुलिस को देखकर आरोपियों ने पुलिस पर फायर झोंक दिया। दूसरी बाइक पर सवार व्यक्ति पीछे मुड़कर भागना चाहा, पर बाइक अनियंत्रित होकर गिर गई। आरोपी बाइक को छोड़कर पुलिस वालों पर निशाना बनाकर फायर कर भाग रहा था। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की। इस फायरिंग में आमिर के दाहिने पैर में गोली लग गई, जिसे इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। पुलिस की माने तो आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि पक्के टिनशेड में जानवर काटे जाते थे और काट कर मांस गांव-गांव घूमकर बेचते हैं। इससे जो पैसा मिलता है उसे हम लोग आपस में बांट लेते थे। एसपी अनुराग आर्य ने इस घटनाक्रम के बारे में बताया कि मोहम्मद आमिर पर इससे पहले भी 2013 में गोवध का मुकदमा दर्ज है। मामले की विवेचना की जा रही है। इस ग्रुप में कितने अन्य लोग शामिल हैं, इसकी पड़ताल की जा रही है। रात्रि लगभग 12:55 पर थाना क्षेत्र सरायमीर में एसओ सरायमीर और उनकी टीम के द्वारा पुलिस मुठभेड़ के बाद 4 गोकशी करने वाले अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें से एक अपराधी मोहम्मद आमिर, इसके दाहिने पैर में गोली लगने से घायल हो गया, जिसको उपचार के लिए तत्काल हॉस्पिटल भेजा गया। इसके साथ जावेद अख्तर, मोहम्मद अब्दुल्ला और मशरूफ अहमद को भी गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 140 किलो प्रतिबंधित मांस, 2 अवैध असलाह, 3 कारतूस और घटना में प्रयुक्त 2 मोटरसाइकिल बरामद की गई हैं। मुठभेड़ में घायल अभियुक्त मोहम्मद आमिर पर इससे पूर्व में भी वर्ष 2013 में गोवध की FIR पंजीकृत है। विस्तृत पूछताछ विवेचना थाना सरायमीर पुलिस के द्वारा की जा रही है। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।